My dear students of third class, today I shall be explaining chapter number 15, Young Brave Hearts, and also giving question answers. So students, आपको पेंसिल लेके रेडी होना होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना बीच बीच में मैं मीनिंग्स भी देने वाली हूँ. तो फर्स्ट हम रीड करते हैं फर्स्ट पैरा. द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 2013 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड टू 25 चिल्ड्रेन ऑन फ्राइडे 24 जनवरी 2014, टू डेज बिफोर रिपब्लिक डे. तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 में नेशनल ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया गया था, ठीक है, 25 बच्चों को दो दिन पहले 26 जनवरी के. सो अमंग दिस 25 चिल्ड्रेन 9 आर गर्ल्स एंड द भरत अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन 8.5 ईयर ओल्ड महिका गुप्ता फ्रॉम दिल्ली. सो यहाँ पर जो है वो 25 चिल्ड्रंस में 9 लड़कियाँ थीं और उसमें से एक लड़की जो थी वो 8.5 साल की थी, जिसका नाम था महिका गुप्ता, जो कि दिल्ली से थी. अब उनका वो देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था. ऑन June 16, 2013 महिका गुप्ता वॉज इन केदारनाथ विथ हर फैमिली. सडनली फ्लैश फ्लड स्ट्रक. फ्लड का मतलब होता है सैलाब, बाढ़ आना. द एरिया वॉज फिल्ड विथ मडी फ्लड वाटर. सो जो एरिया था, सराउंडिंग एरिया था, वो पूरा सैलाब के पानी से भर गया था. मडी का मतलब हो जाएगा जो कीचड़ वाला पानी होता है. महिका कुड नॉट सी हर पेरेंट्स और रिलेटिव्स बट हर्ड हर 4-year-old ब्रदर क्राइंग. सो यहाँ पर जो है इतना फ्लड का फोर्स था कि वो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव को नहीं देख पा रही थी, बल्कि वो अपने एक 4 साल के भाई की सिर्फ आवाज़ सुन रही थी, रोने की आवाज़ सुन रही थी. महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. और यहाँ पर जो है वो महिका को स्विमिंग नहीं आती थी, तैरना नहीं आता था. शी वॉज हिट विथ स्टोन्स कैरिड बाय वाटर. और वो पानी में जो पत्थर के द्वारा बहते हुए चले गई. बट ब्रेवली शी वेडेड आउट टिल शी फाउंड हर ब्रदर एंड ड्रैग्ड हिम टू सेफली. तो यहाँ पर जो है ना वो पत्थर भी उसको लग रहे थे पानी, मतलब जो फ्लड आया था. तो यहाँ पर वेडेड का मतलब होगा वॉक थ्रो, बट वो सेफली जो है अपने भाई को खींचते हुए, ड्रैग का मतलब होगा पुल, ठीक है, वो खींचते हुए उसको सेफ मतलब बचा लेती है. देर शी हेल्ड ऑन टाइटली टू हर ब्रदर फॉर आवर्स. और वहाँ पर घंटों तक अपने भाई को पकड़े रहती है. वैन शी सॉ अ लाइट शी वेव्ड फॉर हेल्प. और जैसे ही वो रोशनी देखती है वो वेव्ड, यानी वो अपना हाथ हिलाकर मदद के लिए पुकार करती है. आफ्टर दैट दे वर बोथ रेस्क्यूड. और यहाँ पर वो जो है रेस्क्यूड का मतलब होगा सेफ, ठीक है, बच जाते हैं यहाँ पर. विथ हर डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड शी सेव्ड हर ओन लाइफ एंड दैट ऑफ हर ब्रदर. और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी वो अपनी सूझबूझ और समझदारी की वजह से वो दो लोगों की जान बचा देती है, अपनी और अपने भाई की, ठीक है. तो ब्रेवरी इज इन डूइंग द राइट थिंग इवन वैन वन इज़ अफ्रेड. सो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जहाँ पर हम मतलब निकलना मुश्किल हो, ऐसी कंडीशन के जो हमको रास्ता ना दिखे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेवरी से काम लेना चाहिए. वी बिकम जस्ट बाय परफॉर्मिंग जस्ट एक्शन, वी बिकम ब्रेव बाय परफॉर्मिंग ब्रेव एक्शंस. सो यहाँ पर जो है ना हमें कोई भी ऐसा मतलब कठिन जो स्थिति आ जाए हमारे सामने, तो उसके अंदर हमको बहुत ब्रेवरी से काम लेना होगा, तभी हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे. नेक्स्ट पैरा देखते हैं. शुभम संतोष चौधरी फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गिवन संजय चोपड़ा अवार्ड फॉर हिज एग्जाम्पलरी करेज. तो यहाँ पर जो है शुभम संतोष चौधरी को महाराष्ट्र में संजय चोपड़ा अवार्ड मिला. ही वॉज ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल ऑन 11th August 2012. तो यहाँ पर जो है वो अपने जो स्कूल के रास्ते से जा रहा था. ही सॉ दैट अ वैन हैड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स ऑन द नेशनल हाईवे. तो यहाँ पर एक गाड़ी को उसने जलते हुए देखा. अ क्राउड हैड गैदर्ड बट दे वर वॉचिंग हेल्पलेसली. वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी पर कोई मदद नहीं कर पा रहा था. शुभम रस्ट टू दी वहीकल एंड ट्राई टू ओपन द डोर बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड. तो यहाँ पर जो है आग लगी हुई थी, तो शुभम ने ना जो वैन का जो डोर है उसको खोलने की कोशिश की, बट वहाँ पर फायर की वजह से जो उसका हैंडल है वो भी काफ़ी गर्म हो गया था. शुभम क्विकली ब्रोक द वैन्स विंडो एंड अनलॉक द डोर फ्रॉम इन साइड. सो यहाँ पर जो है वो शुभम ने वैन की जो विंडो थी उसको ब्रेक किया, तोड़ा, और उसका जो दरवाज़ा था उसने अंदर से खोल दिया. देर वर टू गर्ल्स इन द वैन. ही पुल्ड देम आउट ऑन ऑफ द बर्निंग वैन एंड सेव देयर लाइव्स. तो यहाँ पर जो है उसने वो वैन का विंडो जो ब्रेक किया और वैन का जो डोर था उसको खोला, वहाँ पर दो लड़कियाँ थी, उनको सेव कर दिया, बचा लिया. एवरी ईयर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन टू यंग चिल्ड्रेन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग डीड ऑफ ब्रेवरी. तो यहाँ पर जो है हर साल जो ब्रेवरी बहादुरी का अवार्ड है वो बच्चों को दिया जाता है. दीज चिल्ड्रेन प्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर अदर चिल्ड्रेन. यू कैन रीड अबाउट देयर एक्ट्स ऑफ करेज इन द न्यूज़पेपर और ऑन इंटरनेट. तो ऐसे जो बच्चों को अवार्ड दिया जाता है, इससे जो है अदर स्टूडेंट्स, अदर चिल्ड्रेन भी इंस्पायर होते हैं और उनको मतलब इस चीज़ से सीख मिलती है कि कैसे एक मुश्किल वक्त में कैसे हिम्मत से काम लेना चाहिए और मतलब उस चीज़ को हैंडल करनी चाहिए. सो यहाँ पर एक कोट देखते हैं. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही Who does not feel afraid, but he who conquer that fear. तो यहाँ पर जो है एक बहादुर आदमी वही है कि जो डर का सामना करे. ये कोट है, दिस कोट इज़ गिवन बाय नेल्सन मंडेला. तो नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के, ठीक है. फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क बुक के क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट आपका व्हेन वर दी 2013 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स प्रेजेंटेड. सो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा ऑन फ्राइडे 24 जनवरी 2013. हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंटेड द अवार्ड? 25 चिल्ड्रन. नेक्स्ट हु प्रेजेंटेड दिस अवार्ड? आंसर द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड दिस अवार्ड. व्हाट ब्रेव थिंग्स डिड महिका डू? राइट अबाउट इट इन वन टू और टू लाइन. महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम येट आफ्टर फ्लैश फ्लड्स स्ट्रक एट केदारनाथ महिका वेडेड इन टू द मडी फ्लड वॉटर एंड ड्रैग्ड हर फोर ईयर ब्रदर सेफली. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? महिका वॉज अलोन इन केदारनाथ. आंसर फॉल्स. महिका न्यू हाउ टू स्विम. फॉल्स. महिका ब्रदर सेव्ड बोथ ऑफ देम. फॉल्स. महिका इज अ गर्ल. आंसर इज ट्रू. मेक एटलीस्ट 5 वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिटर्मिनेशन. माइंड, मेन, मेड, मेड, नेम, नेशन. यूज द फ्रेज प्रेजेंस ऑफ माइंड इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. विथ अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड द बॉय पुल द बेबी अवे फ्रॉम विथ फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, विच अवार्ड वॉज शुभम गिवन? शुभम वॉज गिवन द संजय चोपड़ा अवार्ड. विच वॉज द डे वैन शुभम शोड हिज ब्रेवरी? द डे वॉज 11th of August 2012. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वर द पीपल डूइंग? आंसर, द पीपल वर जस्ट वॉचिंग द बर्निंग वैन हेल्पलेसली. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. एग्जाम्पलरी, वेरी गुड, हेल्पलेस, अनकंट्रोलेबल. नेक्स्ट, इंस्पायरिंग टू इन्फ्लुएंस. फोर्थ, आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनली गुड. स्टूडेंट्स, ऐसे ही और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी एंड इवन मैंने प्लेलिस्ट में भी फोल्डर बनाकर रखे हैं. सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल एंड क्राफ्टी वीडियोस एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू.